चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. व्हाट इज मेन्यू? अ मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ डिशेस. जो आपका मेन्यू होता है वो डिशेस की एक लिस्ट होती है, जिसमें आपका मेन्यू के अंदर जो फूड आइटम सर्व होती है आपके रेस्टोरेंट में, उसकी एक नाम होता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है और उसके अंदर उसका प्राइसिंग दिया जाता है एक मेन्यू के अंदर. अगर हम बात करें फ्रेंच में कि फ्रेंच में मेन्यू का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंच में मेन्यू का मतलब होता है इन मिनट डिटेल्स, कि जो आइटम्स या जो डिशेस आपके रेस्टोरेंट में सर्विसेज होती है उनकी जो डिटेल्स है वो विद इन मिनट आपका कस्टमर आपके मेन्यू को देखकर आइडिया लगा सकता है कि आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन सी डिशेस सर्विस होती है. अगर हम बात करें यहाँ पे आपका इंग्लिश में मेन्यू का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में मेन्यू का मतलब होता है बिल ऑफ फेयर. बिल ऑफ फेयर से मतलब है कि जो आपका गेस्ट है उसका जो बिल है वो किस अकॉर्डिंग रहेगा, तो उसका एक वो आइडिया लगा सकता है बिफोर दी सर्विसेज. जो आपका मेन्यू है वो माना जाता है कि सबसे पहले जो मेन्यू बनाया गया था वो आपका 1541 में बनाया गया था और उसका जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था. बट जो आज के समय में जो मेन्यू है वो एक छोटे मेन्यू होते हैं, उसमें छोटी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी जाती है डिशेस के बारे में और साथ में उसकी प्राइसिंग दी जाती है. तो ये था आपका व्हाट इज मेन्यू. अब बात करते हैं आपका फंक्शन ऑफ मेन्यू, कि एक ऑपरेशंस या रेस्टोरेंट के अंदर जो आपका ऑपरेशंस चलता है तो उसमें आपका मेन्यू का क्या क्या फंक्शन या क्या क्या काम होता है. सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका बेसिस ऑफ ऑपरेशंस. तो आपका जो पूरा ऑपरेशंस आपको रेस्टोरेंट के अंदर होता है वो आपका पूरा मेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इक्विपमेंट परचेजिंग हो गया, आपका इंग्रीडियंट परचेजिंग हो गई, आपकी स्टाइल ऑफ सर्विस किस तरह से रहेगा आपके रेस्टोरेंट के अंदर, आपका फूड जो किस तरह से कुक किया जाएगा, आपका जो रेस्टोरेंट का डिजाइन है वो किस तरह से रहेगा, आपकी जो फूड की प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से रहेगा, उसकी प्राइसिंग किस तरह से रहेगी. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मेन्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है. जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कम्युनिकेशन डिवाइस. तो आपका जो मेन्यू है वो आपका एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी होता है, उसका एक कम्युनिकेशन का काम होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर. जब आपका कस्टमर आता है तो आपका कस्टमर मेन्यू को रीड करके या पढ़ करके आपके रेस्टोरेंट की जो डिशेस सर्व होती है उससे वो कम्युनिकेट हो जाता है कि आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन सी आइटम्स या कौन कौन सी डिशेस सर्विसेस होती है. जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे आपका इफेक्टिव सेल्स टूल. जो आपका मेन्यू होता है वो आपका एक इफेक्टिव सेल्स टूल होता है, क्योंकि आपका जो मेन्यू है उसमें आपकी जो डिस्क्रिप्शंस होती है, जो मेन्यू की आइटम्स के नाम दिए होते हैं, उसका जो प्राइसिंग होती है और उसका जो स्टाइल होता है और उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है अलग अलग तरह से रेस्टोरेंट के अंदर एक मेन्यू की, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स को इफेक्ट करते हैं और आपकी सेल्स को कहीं ना कहीं ज्यादा करते हैं या आपकी सेल्स को ज्यादा ले जाते हैं. तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती है मेन्यू के ऊपर. जो लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट इमेज बिल्डर. तो आपका जो मेन्यू होता है एक फंक्शन होता है उसका कि आपकी जो रेस्टोरेंट की इमेज है वो मेन्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि आपका जो गेस्ट सबसे पहले रेस्टोरेंट में आता है तो सबसे पहले आपका मेन्यू प्रेजेंट किया जाता है फ्रंट ऑफ द गेस्ट. तो जो आपका मेन्यू है उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो फिनिशिंग है, उसके जो वर्डिंग है कि उसकी वर्डिंग बोल्ड है, कैसा उसका टेक्सचर्स है, तो ये सारी चीजें आपके रेस्टोरेंट की इमेज को बिल्ड करता है. तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन या इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मेन्यू का रेस्टोरेंट के अंदर. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके फंक्शंस या आप बोल सकते हैं मेन्यू के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर, मेन्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एक रेस्टोरेंट के अंदर और मेन्यू की क्या डेफिनेशंस होती है. तो ये सारी चीजें आज हमने आपके इस वीडियो में डिस्कस